नमस्कार, मैं कोपल हालन स्वागत करती हूं आपका सी लॉर्ड न्यूज में। यूक्रेन में भारत के दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए नई एडवाइजरी जारी की है। इसमें भारतीयों से सुरक्षित और सतर्क रहने की अपील की गई है। साथ ही ये बताया गया है कि भारत सरकार और दूतावास रोमानिया और हंगरी के रास्ते नागरिकों को सुरक्षित निकालने पर काम कर रहे हैं। एडवाइजरी में सलाह दी गई है कि भारतीय नागरिक अपने करीब के इवैक्यूएशन चेक पॉइंट्स पर पहुंचे। एडवाइजरी में कहा गया है कि छात्रों को स्टूडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स के संपर्क में रहना चाहिए। सभी नागरिकों से पासपोर्ट और आपातकालीन खर्च के लिए अमेरिकी डॉलर रखने के लिए कहा गया है। ये भी कहा गया है कि कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी साथ में रखें और अगर संभव हो सके तो अपनी गाड़ियों पर तिरंगे के प्रिंट आउट को लगा लें। इससे पहले सूत्रों ने बताया था कि यूक्रेन में फंसे अपने नागरिकों को निकालने के लिए भारत उड़ानें भेजेगा जिसका खर्च सरकार वहन करेगी। रूस के हमले का आज दूसरा दिन है। हमले की वजह से हजारों की संख्या में भारतीय विशेषकर स्टूडेंट्स यूक्रेन में फंस गए। सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती इस मुल्क में फंसे भारतीयों को सुरक्षित निकालने की है जिसके लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। भारत ने यूक्रेन में फंसे अपने नागरिकों को निकालने के लिए हंगरी और पोलैंड की सीमाओं के जरिए सरकारी दलों को भेजा है। भारत के विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा, सुरक्षित मार्गों की पहचान कर ली गई है। सड़क मार्ग से यदि आप कीव से जाते हैं तो आप 9 घंटे में पोलैंड और लगभग 12 घंटे में रोमानिया पहुंच जाएंगे। सड़क का नक्शा तैयार कर लिया गया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत में भारतीयों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया था। उन्होंने कहा था कि यूक्रेन में फंसे भारतीयों को सुरक्षित निकालना भारत की सर्वोच्च प्राथमिकता है। धन्यवाद।